बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एंड सेफ। जैसा कि आपको पता है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। हमारी आपने तमाम ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करना है। जो भी वर्क होगा इसमें आपने नीट एंड क्लीन राइट करना है। और मैं आपकी टीचर हूँ मिस नसीम कौसर, और आज हमारी क्लास है उर्दू की। अब हम देखते हैं कि आज हमने उर्दू में क्या काम करना है। हमारी उर्दू की लास्ट क्लास में क्या वर्क हुआ था? लास्ट हमारा पेज नंबर 60 तक हो चुका था। अब हमने आज कौन सा वर्क करना है? पेज नंबर 62 पे है हमारा लेसन घोड़े जल्दी चलो। इसका वर्क हमने कर लिया था, क्वेश्चन आंसर हमने कॉपी वर्क किया था। अब हम इसका आज घोड़े जल्दी चलो का बुक वर्क देखते हैं कि हमने क्या करना है। पेज नंबर है 63 हमारा, जो हमें वर्क करना है बुक वर्क। क्या है वर्क? पढ़ें सब मैम के साथ। उसूल काफ और गाफ अलिफ और लाम के साथ मिलते वक्त गोल शक्ल बनाते हैं। यानी कि काफ को जब हम अलिफ के साथ लिखेंगे या लाम के साथ लिखेंगे तो इसकी शक्ल जो है वो किस तरह बनती है गोल, वो आपको बताएंगे। हिदायत नीचे क्या दी हुई है? काफ और गाफ की गुलाई दुरुस्त बनाइए। यानी काफ और गाफ की जो गुलाई बनेगी जब अलिफ और लाम के साथ बनेगा तो इसकी गुलाई दुरुस्त होनी चाहिए। देखें, इन्होंने यहाँ आगे मिसाल भी दी हुई है। काफ को इन्होंने अलिफ के साथ मिलाया हुआ, इसकी गुलाई देखें कैसे दूर हुई हुई है। क्रॉस का भी निशान लगा हुआ है। यहाँ गुलदस्ता लिखा हुआ है, इसकी भी गुलाई को देखें दूर किया हुआ है गाफ के साथ लाम के साथ। गाफ जब लाम के साथ मिला हुआ है तो गुलाई बहुत दूर है, यानी सही से दुरुस्त गुलाई नहीं बनी हुई, इसलिए यहाँ पे ये क्रॉस दिया हुआ है। तो हमने नीचे इसी तरह ये चीज़ देखते हुए, गुलाई को देखते हुए हमने यहाँ पे नीचे वर्क करना है। चलें देखते हैं क्या वर्क करना है हमने। काफ जमा अलिफ बराबर है काफ अलिफ का। देखिए इस तरह गुलाई बनी हुई है, काफ को जब अलिफ के साथ हमने मिलाया है तो हमने भी इसी तरह गुलाई बिल्कुल दुरुस्त तरीके से बनानी है। चले सब मैम के साथ लिखें काफ अलिफ का। देखें मैम ने बिल्कुल गुलाई बिल्कुल दुरुस्त बनाई है ना, आपने भी इसी तरह गुलाई को बनाना है। गाफ जमा अलिफ बराबर है गाफ अलिफ गा। देखें यहाँ भी गाफ को जब अलिफ के साथ मिलाया है तो इसकी गुलाई देखें कैसे बनी हुई है, हमने भी बिल्कुल इसी की तरह बनाना है गुलाई को, गाफ को, गाफ अलिफ गा। अब यहाँ देखें काफ लाम यली कली, देखें यहाँ लिखा हुआ है कली। अब देखें इसकी काफ को जब हमने लाम के साथ मिलाया तब देखें किस तरह इसकी शक्ल बनी गोल, हमने इसी दुरुस्त तरीके से ही बनाना है इसकी गुलाई को। देखें काफ लाम यली कली। अब यहाँ देखें गाफ लाम अलिफ ला बेसाकिन गुला। अब यहाँ देखें गाफ को यहाँ लाम के साथ मिलाया इन्होंने, इसकी गुलाई देखें किस तरह बनी हुई है, हमने भी इसी तरह बिल्कुल दुरुस्त गुलाई के साथ हमने गुलाब लिखना है। चलें अब हम राइट करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त गुलाई होनी चाहिए गुला। गाफ को जब हमने लाम के साथ बनाया तो हमने लिख दिया गुला। चलें अब हमारा ये वर्क हो गया, हमने इसे दुरुस्त गुलाई के साथ बनाया है। आपने भी इसी तरह अपनी बुक में गुलाई के साथ बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइट करना है। अब नीचे आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 के पे। इन हरूफ से शुरू होने वाले अल्फाज कहानी में से चुनकर लिखिए। यानी कि जो ये हर्फ यहाँ पे दिए हुए हैं जैसे कि बे पे जे चे काफ, यानी ये जो यहाँ पे हर्फ दिए हुए हैं, हरूफ दिए हुए हैं, इन हरूफ के जो शुरू का जो वर्ड अल्फाज है वो इसी का से शुरू होना चाहिए। यानी ते का दिया हुआ है तो शुरू का अल्फाज ते से आएगा, जे दिया हुआ है तो इसका शुरू का अल्फाज जे से आएगा, चे दिया हुआ है तो इसका अल्फाज शुरू से चे का आएगा, या काफ दिया हुआ है तो इसका अल्फाज शुरू का काफ से आएगा। लेकिन हमने ये कहाँ से चुन के लिखने हैं अल्फाज? हमने अपनी घोड़े जल्दी चलो का जो लेसन रीड किया था हमने उसी में से ही चुन के हमने लिखने हैं। चलें यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अब देखें जैसे कि यहाँ दिया हुआ है बे हरूफ है यहाँ पर, इसके हरूफ के इन्होंने लिखा है यहाँ पर बिलाल, यानी इसी लेसन में से ही लिखा है इन्होंने चुनकर, तो हमने भी इसी तरह लिखना है। अब यहाँ पे क्या हरूफ दिया हुआ है? ते। हमने इसको ऐसा अल्फाज यहाँ पे लिखना है जो ते से शुरू हो, और वो कहाँ से चुन के हमने लिखना है? अपने लेसन में से। चलें सोचें क्या आएगा, ते से क्या अल्फाज हमने पढ़ा था, रीड किया था अपने लेसन में? तकियों। मैम के साथ रीड करें, राइट करें सब, तकियों। अब यहाँ देखिए क्या अल्फाज है, हरूफ दिया हुआ है जे, यहाँ पर हमें जे, अब यहाँ पे हरूफ दिया हुआ है जे, तो हमें यहाँ पे ऐसा अल्फाज लिखना है जिसके शुरू में जे आना चाहिए। तो सोचें क्या हमने कहानी में पढ़ा था, कौन सा वर्ड था जो जे से शुरू हो रहा था अल्फाज हमारा? जे से जुबैर। राइट करें सब मैम के साथ, राइट कर लिया सबने। चलें अब यहाँ क्या है हरूफ हमारा? चे। तो चे हरूफ से शुरू होने वाला अल्फाज हमने लिखना है, और वो भी हमने अपने लेसन से चुन के लिखना है। तो क्या अल्फाज हमने रीड किया था सोचें? जी चीखा। मैम के साथ राइट करें, चे हरूफ से अल्फाज बन गया चीखा, हमने चीखा राइट कर दिया। अब आगे हरूफ दिया हुआ है काफ,
तो हमने काफ के हरूफ से शुरू होने वाला अल्फाज लिखना है, लेकिन कहाँ से? कहानी से चुनकर। तो क्या अल्फाज आएगा काफ से जो हमने कहानी में पढ़ा हो? अब हमें यहाँ पे क्या हर्फ दिया हुआ है? काफ। तो हमने काफ से ऐसा लफ्ज़ लिखना है जो काफ से शुरू हो। तो क्या लफ्ज़ आएगा काफ से? खेल। क्या लफ्ज़ बना? खेल। इसके साथ ही हमारा पेज नंबर 63 का ये वर्क था कंप्लीट हो गया। चलें आप देखते हैं कि आगे हमने क्या वर्क करना है। चलें क्लास, अब आ जाएं, पेज नंबर 64 है हमारा, इस पे हमने वर्क करना है। इन हुरूफ पर ख़त्म होने वाले अल्फाज कहानी में से चुनकर लिखिए, यानी कि यहाँ जो अल्फाज हुरूफ दिए हुए हैं उसमें आपको ऐसे अल्फाज बनाने हैं जिसके आखिर का लफ्ज़ जो है वो जो दिया हुआ है वही होना चाहिए। यानी जो हमारा हुरूफ यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं जैसे कि लाम, काफ, बे, छोटी रे, ये सब हमारे जो हुरूफ दिए हुए हैं इनके आपने ऐसे अल्फाज बनाने हैं यहाँ पे लिखने हैं जिनका आखिर का जो हुरूफ हो वो ये होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ देखें, जैसे मिसाल दी हुई है लाम, अब यहाँ देखें लिखा हुआ है बिलाल। अब बिलाल का आखिर का यानी जो ख़त्म हो रहा है बिलाल का अल्फाज वो देखें, इसका आखिर का हुरूफ क्या है? लाम। तो यानी यहाँ जो लाम दिया हुआ है वही लाम है यहाँ पर आखिर का हुरूफ, इसका ख़त्म होने वाला जो हुरूफ है इसका। तो इसी तरह आपने लिखना है। अब देखें यहाँ क्या दिया हुआ है? काफ। तो अब हमने यहाँ पर ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिसके आखिरी जो हर्फ है वो काफ होना चाहिए। चलें राइट करते हैं हम, क्या आएगा? काफ से आखिर हर्फ इसका लफ्ज़ हमने बनाया मखलूक। ये देखें लिख लिया हमने, ये देखें यहाँ पर भी काफ है और इसके अल्फाज का भी आखिर का जो हर्फ है वो काफ है, तो हमने यहाँ पे राइट कर दिया। अब इसी तरह बे का हम देखेंगे, ऐसे हमने यहाँ पे लफ्ज़ लिखना है जिसका आखिर का जो हर्फ है वो बे होना चाहिए। चलें राइट करते हैं, कहानी से चुन के ही हमने राइट करना है तो हमें वो भी सोचना है। सोचें चलें क्या वर्क था उसके अंदर, क्या अल्फाज हमने पढ़ा था? करीब। बे से क्या हमने लफ्ज़ लिखा? करीब। अब देखें यहाँ पर भी बे है और इसके भी आखिरी हुरूफ जो आ रहा है वो बे आ रहा है, यानी कि सही है हमारा। राइट कर दें आप सब मैम के साथ। अब यहाँ दिया हुआ है छोटी है, तो हमने यहाँ पे ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिसका आखिर का जो हुरूफ है वो छोटी है होना चाहिए। चलें सब राइट करें, क्या आएगा? सोचें हमने कहानी में क्या पढ़ा था? जी जल्दी। जल्दी राइट करें मैम के साथ। अब देखें यहाँ का भी जो हुरूफ दिया हुआ है छोटी है और जो मैंने लफ्ज़ लिखा है उसका भी जो आखिर का जो हुरूफ है वो क्या है? छोटी है। राइट कर लिया सबने मैम के साथ। चलिए अब आगे देखें क्या करना है हमने। रे। अब हमने यहाँ पर क्या हर्फ दिया हुआ है? रे। तो हमने ऐसा लफ्ज़ लिखना है यहाँ पर जिसके आखिर का जो हर्फ है वो रे होना चाहिए। चलें राइट करें सब मैम के साथ, क्या होना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे? कहानी में सोचें हमने क्या पढ़ा था? जी याद आया, ज़ुबैर। ये देखें ज़ुबैर में भी जो इसका आखिर का जो हर्फ है वो क्या आ रहा है? रे आ रहा है और यहाँ पर भी रे है। तो अब हमारा ये वाला वर्क जो था वो कम्प्लीट हो गया। चलें अब देखते हैं अब हमने क्या वर्क करना है। दिए गए जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए, ये क्वेश्चन है हमारा पेज नंबर 65 पे। चलिए देखते हैं हमने इसमें क्या करना है। दिए गए जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए, यानी जो नीचे यहाँ जुमले दिए हुए हैं आपको उसको दुरुस्त करके लिखना है। जैसे कि नंबर 1 है, मुर्गी को दड़बा में बंद कर दो। अब देखें यहाँ पर कैसा लग रहा है ये सेंटेंस, और ये नीचे इन्होंने जो ग्रीन कलर के जो वर्ड अल्फाज लिखे हुए हैं आपने इसको ही तब्दील करना है, इसको ही दुरुस्त तरीके से लिखना है आपने। ये जो ग्रीन कलर के जो दिए हुए हैं यहाँ पे अल्फाज आपने इसको दुरुस्त तरीके से लिखना है, यानी आपका सेंटेंस दुरुस्त हो जाए। अब जैसे लिखा हुआ था मुर्गी को दड़बा में बंद कर दो, देखिए हमें बोलने में भी दुरुस्त नहीं लग रहा ये जुमला, अब हम इसे सही करके लिखेंगे, दुरुस्त करके लिखेंगे, तो क्या आएगा? मुर्गी को दड़बे में बंद कर दो। अब हो गया सही सेंटेंस ये। चलिए हम राइट करें सब मैम के साथ। मुर्गी को दड़बे में बंद कर दो। अब देखें दुरुस्त तरीके से लिख दिया मैंने, आप भी सब मैम के साथ दुरुस्त तरीके से इसको राइट कर दें आगे। अब है नंबर 2, गुलाब के पौधा में फूल लगे हैं। अब देखें यहाँ पे क्या राइट हुआ है, जुमला हमें दुरुस्त नहीं लग रहा है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको दुरुस्त तरीके से कैसे लिखेंगे हम? गुलाब के पौधे में फूल लगे हैं, हमने ये ग्रीन वाला जो अल्फाज दिया हुआ है हमने इसको तब्दील किया, दुरुस्त किया, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? दुरुस्त हो गया। गुलाब के पौधे में फूल लगे हैं। चलें अब आए मैम के साथ राइट करें सब। गुलाब के पौधे में फूल
लगे हैं। सबने कर लिया मैम के साथ राइट। चलें अब थ्री पे आ जाइए। थ्री नंबर में क्या राइट हुआ हुआ है? नमाज पढ़ना हमारे फ़ायदा की बात है। देखिए हमें पढ़ते हुए जुमला हमें सही नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे दुरुस्त करेंगे इस जुमले को हम? नमाज पढ़ना हमारे फ़ायदे की बात है। देखिए अब सही हो गया ना हमारा ये जुमला, दुरुस्त तरीके से बोल दिया मैंने। अब आपने लिखना भी इसी तरीके से है, नमाज पढ़ना हमारे फ़ायदे की बात है। राइट करें सब मैम के साथ, नमाज पढ़ना हमारे फ़ायदे की बात है। कर लिया मैम के साथ राइट सबने, गुड। अब हमारा फोर सेंटेंस क्या है हमारा, इस जुमला को दुरुस्त करके लिखिए। देखें ये भी जुमला हमें दुरुस्त नहीं लग रहा, अब हमने इसको दुरुस्त करके कैसे लिखेंगे हम? इस जुमले को दुरुस्त करके लिखिए। हो गया हमारा ये दुरुस्त सेंटेंस, हमने इसी तरह आगे राइट करना है। देखें इसमें भी ग्रीन जुमला लिखा हुआ था, हमने इसको सही करके लिखा, जुमले लिखा हमने, इस जुमले को दुरुस्त करके लिखिए, तो हमारा जो ये जुमला है वो दुरुस्त हो गया। तो आगे राइट करें सब मैम के साथ, इस जुमले को दुरुस्त करके लिखिए। राइट कर लिया सबने, बहुत गुड राइटिंग में आपने ये वर्क करना है। पेज नंबर 65 पे हमारा ये वर्कबुक वर्क आज कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा आज का जो वर्क था 65 तक पेज था हमारा काम, आज बुक वर्क हमारा आज यहाँ तक कंप्लीट हो गया है काम। अब आपने जो इससे पहले मैंने बुक वर्क करवाया था वो भी सबका कंप्लीट होना चाहिए वर्क, नीट एंड क्लीन। और अब हम अपनी डायरी की तरफ चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम अपनी डायरी की तरफ आते हैं। देखें क्या डायरी दी है आज आपको मैंने, डू बुक पेज नंबर 63, 64, 65 वही पेज दिए हुए हैं जो मैंने अभी आपको वर्क करवाया है। आपने ये वर्क बहुत नीट एंड क्लीन राइट करना है, और अपना पिछला वर्क भी बुक वर्क देख लीजिएगा, वो भी कंप्लीट होना चाहिए सबका, सबका नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए। और सबने अपना बहुत ख्याल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।